प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। गुरुवार रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भविष्य सुधरेगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ पौधरोपण के महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जैतीखेड़ा में हरिशंकरी का रोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बरेली में भी वृक्षरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि 22 करोड़ वृक्ष लगाना अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने के बाद उनकी देखभाल भी अवश्य होनी चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका और सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने 3 हस्तियों को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित 4 प्रमुख विधेयकों को अपनी सहमति दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को आतंकवादियों के रूप में व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार देता है। भारत ने द्विपक्षीय संबंधों में राजनयिक रिश्ते कम करने सहित पाकिस्तान की एकतरफा कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इस कार्रवाई से दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि स्थिति खतरनाक है जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कश्मीर से 370 हटाने को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि हमारी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला कश्मीर के लिए विकास की नई राहें खोलेगा और अब सही मायनों में कश्मीर विकास के पथ पर अग्रसर होगा। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज 2020-23 के दूरदर्शन एक्शन प्लान को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में दूरदर्शन के विस्तार, डिजिटाइजेशन और आधुनिकीकरण के संबंध में भावी योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। सरकार ने 2022 तक हर गरीब का पक्का मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसी लक्ष्य के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 220 ग्रामीण लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया। स्वतंत्रता दिवस के लिए मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि मदरसे में झंडारोहण के साथ साथ देशभक्ति गीत की प्रस्तुति हो, बच्चों को राष्ट्रभक्ति के मायने, शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ वृक्षारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने 15 अगस्त को राष्ट्रगान के साथ झंडा फहराने और मदरसों में बच्चों को देशभक्ति के पाठ पढ़ाने की भी गुजारिश की है। आजादी के बाद से देश भर के सभी मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। उन्नाव रेप पीड़िता मामले में सीबीआई की टीम गुरुवार को रायबरेली के दुर्घटना स्थल पर ट्रक चालक आशीष पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास को लेकर पहुंची। सीबीआई ने मौरंग खरीदने वाले राजेंद्र चौधरी से ट्रक चालक और क्लीनर की तस्दीक कराई। भारत छोड़ो आंदोलन एवं 94वीं काकोरी ट्रेन एक्शन की याद में काकोरी शहीद स्मारक सहित अन्य स्मारकों में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर काकोरी शहीदों को स्मृति में देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति की गई। चित्रकूट जिले में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जिले के सभी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन के जरिए चिकित्सा सेवा दी जा रही है। और बाराबंकी में 20 अगस्त से पुलिस कर्मियों को हफ्ते में एक दिन का अवकाश मिलेगा। इस योजना को सबसे पहले बाराबंकी और कानपुर नगर में बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है। इसके तहत प्रत्येक थाने पर तैनात पुलिस बल के 1/7 हिस्से के पुलिस बल को एक हफ्ते में एक दिन का अवकाश मिलेगा। आपका लेटर सप्रेम नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको अभी